राम राम साहब, मैं रानी रंगीली राजस्थान से भातू समाज से। और जो भातू समाज के लिए जो वर्ड यूज़ किया है मनराज दीवाना ने, किसी समाज को टॉर्चर किया है, किसी समाज को बेइज्जत किया है मनराज दीवाना ने, इस रॉन्ग जितनी भी भातू समाज जहाँ जहाँ रहती है, मेरा यही कहना है कि आप मनराज दीवाना को ज़्यादा से ज़्यादा इसके खिलाफ कार्रवाई करें, इसको माफ़ी मंगवाएं। माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर समाज अपनी अपनी जगह बड़ी है। देखो, कलाकार की कोई समाज नहीं होती, बट मैं हर समाज के सपोर्ट में हूँ। सब जगह अपनी अपनी समाज सब जगह बड़ी है, क्योंकि समाज कोई भगवान ने बना के नहीं भेजी, समाज अपनों ने खुद ने बनाई है। तो किसी की समाज कोई बड़ी नहीं होती, चाहे वो गुज्जर हो, चाहे कांजर हो, चाहे राजपूत हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे कितनी भी जो समाज आती है, जाट समाज है, जितनी भी अपने जो भारत में जो जात आती है, वो सब अपनी अपनी जगह बड़ी है, सब अपने अपनी जगह महाराजा है। तो किसी भी समाज को आप टॉर्चर नहीं कर सकते, ठीक है। आज मुझे 20 साल हो गए इस लाइन में गाते हुए, मैंने कभी आप मुझे ऐसा कोई वीडियो नहीं बता सकते मेरा जिसको मैंने किसी समाज को लेके विशेष कोई ऑब्जेक्शन उठाओ कि आपने इस समाज के लिए गलत वर्ड गाए हैं रानी जी, क्योंकि मुझे गाना आता है। ये नए नए फपुंदी जो उठी है, ये मनराजियर अभी नए नए उठे हैं, तो इनको गाना तो आता नहीं है। तो ये किसी समाज को टॉर्चर करते हैं, किसी समाज को मतलब टारगेट करते हैं, इस रॉन्ग, ये गलत है। आप सिंगर बने हो, आप अच्छा गाओ, आप भगवान के भजन गाओ, आप लोकगीत गाओ, लव सॉन्ग गाओ, बट आप किसी समाज को टारगेट नहीं कर सकते हैं, इस रॉन्ग। तो मैं यही चाहूँगी मनराज दीवाना माफ़ी मांगे, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे, वरना इसका असर बहुत बुरा होगा, ठीक है। और मैं भातू समाज से निवेदन करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके खिलाफ कार्रवाई करें, चाहे वो केकड़ी की भातू समाज हो या अजमेर की हो, जहाँ की भी हो। बहुत ही अपने समाज में टैलेंटेड लोग हैं, कलेक्टर, SB, थानेदार जी और बड़े बड़े MLA बहुत अपने समाज में बैठे हैं। तो मैं जाऊँगी पूना से, तो पूरा पूना अपनी समाज का है, आधी समाज रहती पूना में पूरी मेरी। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि एक वरुण धवन की जो मूवी आई थी उसमें भी एक कांजर वर्ड यूज़ किया था, तो उस पर भी आप लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, आप मुंह पे ताला लगाए बैठे हो, ठीक है। तो देखो, हर समाज बड़ी, आप करोगे नहीं तो होगा नहीं, ठीक है। मनराज दीवाना ने बहुत गलत गाया है, मैं उसको कब से कॉल कर रही हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है वो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करनी चाहिए, मनराज दीवाना तुझे माफ़ी मांगना चाहिए। तुम लोग मेरी नज़र में सिंगर नहीं हो, सिंगर कभी किसी समाज को टारगेट नहीं करते हैं। सिंगर का काम क्या होता है, वो अच्छा गाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थानी सिंगर अपडेट में। दोस्तों, आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले मनराज दीवाना के एक सॉन्ग के बारे में, और दोस्तों सॉन्ग में काफी ज्यादा मिस्टेक्स हो गई है मनराज दीवाना से, और दोस्तों कांजर समाज का नाम ले लिया है सॉन्ग में। दोस्तों, ये सॉन्ग था देवाजी गुज्जर का, और दोस्तों देवाजी गुज्जर को याद करते हुए मनराज ने ये सॉन्ग जो है बनाया था, और दोस्तों एक लाइव प्रोग्राम का सॉन्ग था, और दोस्तों मनराज दीवाना ने सॉन्ग में जो है कंजर समाज का नाम लेते हुए इस सॉन्ग को बदनाम कर दिया। दोस्तों सॉन्ग पर काफी ज्यादा गुस्सा है कंजर समाज पूरी, और दोस्तों रानी रंगीली भी जो है कंजर समाज से ही है। तो दोस्तों रानी रंगीली ने भी जो है दोस्तों काफी ज्यादा गुस्सा बताया इस सॉन्ग पर। तो दोस्तों विवादित हो गया है ये सॉन्ग, तो चलिए हम इस सॉन्ग को थोड़ा सा सुन लेते हैं। एक जीवन है, और चाहे इतना बड़ा धोखा दोस्ती में नहीं करना चाहिए, लड़ाई हो जाती। फिर तो को दोस्ती में दे दिया कोई कोई आंसू की ओला दे। हाँ दोस्तों, सॉन्ग में साफ साफ कंजर समाज का नाम लिया जा रहा है। हाँ दोस्तों, ये बात हम सभी को भी जो है काफी ज्यादा दुख पहुंचाने वाली है कि यार मनराज जी को जो है कंजर समाज का नाम जो सॉन्ग में नहीं लेना चाहिए था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को देना सब्सक्राइब। चेहरे पर उनकी आएगी खुशी और हो जाएंगी सारी शिकायतें गुम। अपने हीरे को पहना ये हीरा और कहिए हीरा हो तुम। हीरे के गहनों की कीमत पर पाइए 20% तक की छूट, आज ही विजिट करें तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शिवदेलागू भाई साहब, देखिए आज हम सब लोग कंजर समाज से मिलकर के आज हम कलेक्टर ऑफिस पर आए हैं, जो कि विषय ये रहा कि हमारे कंजर समाज के नाम पर कोई मनराज दीवाना करके कोई सिंगर है जिसने कंजर समाज के ऊपर अपशब्द गाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि कंजर की औलाद धोखा दे गया रे, और उसके अंदर लिखा है कि कंजर की औलाद और कांजर नामक हराम बोला गया उसने।
तो उसी के संदर्भ में आज हमारे समाज जितने भी कंजर बस्ती है, हमारे कंजर समाज है, सब मिल करके हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। उसी के साथ हम एक ज्ञापन अपने SP महोदय को भी देंगे, जिसके अंदर हम ये चाहते हैं कि जो भी इसने गाना गाया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त उसको कार्रवाई दी जाए, ताकि ये है कि आने वाले किसी भी देखो समाज के अंदर वो किसी को भी गलत नाम नहीं ले सके। उन्होंने बहुत सारे अपशब्द हमारे समाज को लेकर के बोले हैं और किसी भी व्यक्ति वर्ग को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी समाज के नाम का उल्लंघन करे, किसी भी समाज के नाम को बदनाम करे। ये उन्होंने बहुत ही घटिया और बहुत घिनौना काम किया है, इसी के संदर्भ में हम कार्रवाई की मांग करते हैं। कलेक्टर महोदय को हम यही कहना चाहते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से भी यही कहना चाहते हैं, कोई भी विशेष वर्ग का आदमी हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी समाज का गलत नाम लेकर के या उसका गलत अपमान नहीं किया जाए, हम यही चाहते हैं। मेरा नाम रोशन है, मैं कंजर बस्ती से।